उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने प्रेस वार्ता आयोजित की, जहां आयोजित प्रेस वार्ता में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि पीएम मोदी ने हमेशा किसानों का ध्यान रखा है। उन्होंने चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देकर देश के करोड़ों अन्नदाताओं का सम्मान बढ़ाया है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि चौधरी जी का जीवन विधानमंडल के सदस्य के नाते हो या लोकसभा सदस्य के नाते, उन्होंने देश के लिए जो काम किया उसका संज्ञान मोदी जी ने लिया है। इसी क्रम में उन्होंने कहा कि देश के विकास के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण श्वेत पत्र लाई हैं और निश्चित ही ये श्वेत पत्र सिद्ध करता है कि सिर्फ कैम्ब्रिज हॉवर्ड से निकले लोग ही देश की अर्थव्यवस्था को लेकर ऊपर नहीं ले जा सकते हैं, बल्कि देश का गरीब बेटा जो प्रधानमंत्री के पद पर पहुंचता है वो भी देश की अर्थव्यवस्था को आगे ले जा सकता है। लखनऊ से संवाददाता राशिद अलवी की रिपोर्ट। हमारी सरकार मोदी जी की सरकार चाहे योगी जी की सरकार की प्राथमिकताओं में गरीब है। अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को सरकार की लाभार्थी परक योजनाओं का लाभ कैसे मिले, इसका प्रयास माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लंबे समय से हम लोगों ने किया और उसका सफलतापूर्वक उसे लागू किया। आज जो लाभार्थी है सरकार की योजना का जिसे लाभ मिलना चाहिए, वो ऑनलाइन व्यवस्था के तहत बगैर किसी भ्रष्टाचार के, बगैर किसी भेदभाव के उसका लाभ मिल रहा है। किसानों के लिए भी हमारी सरकार ने अनेकों प्रभावी कदम उठाए हैं। माननीय चौधरी चरण सिंह जी को जहां तक भारत रत्न देने का प्रश्न है, हमारी पार्टी और हम लोग किसानों के लिए, देश के लिए, समाज के लिए चौधरी चरण सिंह जी का योगदान है उसे हमेशा स्मरण करते हैं।